सरकार को हम लोग चेतावनी देने के लिए आए हैं कि तिवारी जी के ऊपर जो मुकदमा दर्ज है उसे वापस ले, अन्यथा उत्तर प्रदेश कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन करेंगे और भाजपा के गुंडा सांसद संग्राम लाल गुप्ता के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज यही हम लोग भाजपा सांसद मुर्दाबाद भाजपा सांसद मुर्दाबाद संग्राम लाल गुप्ता मुर्दाबाद भाजपा सांसद मुर्दाबाद संग्राम लाल को गिरफ्तार करो, भाजपा सांसद को गिरफ्तार करो, कांग्रेस पार्टी। हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे आराधना मिश्रा और प्रमोद तिवारी जो हमारे विधानमंडल के नेता भी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है और सौम्य और सादगी के प्रतीक माने जाते हैं, उनके ऊपर 5-5 FIR इस जुल्मी सरकार ने, हिटलर शाही वाली सरकार ने लगाया है, जिसके हम घोर निंदा और भर्त्सना करते हैं। वो संग्राम लाल गुप्ता जो सांसद महोदय थे, उनका प्रोग्राम 12 बजे का था और हमारे जो प्रमोद तिवारी हैं, जो हमारे नेता हैं, वो आराधना मिश्रा जी, उनका प्रोग्राम 2:30 बजे, उन्होंने जानबूझ के लगाया था कि हम लोग 2.5 घंटे लेट पहुँचेंगे, वो पहले अपना प्रोग्राम करके चले जाएँ। उसके बावजूद वीडियो फुटेज में भी आया है कि उन्होंने बीच बचाव किया है और उसके बाद पब्लिक के ऊपर उन्होंने जब हमला किया सांसद महोदय ने, तो उन पब्लिक प्रतापगढ़ की पब्लिक ने उनको उनके जोरदार तरीके से धुनाई की। और ये आने वाले समय में पब्लिक के सभी सांसद और भाजपा के सांसद और भाजपा के विधायकों के साथ होने वाला है आने वाले समय, और उसके बावजूद उनके कहने पे 5-5 FIR हमारे नेता के खिलाफ हुआ है, जो इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। पूरी का जिला शहर कांग्रेस कमेटी हमारी विरोध करती है और उसी का हम लोग ज्ञापन देने आए हुए। ज्ञापन में अब DM साहब तो आए नहीं, SDM साहब को ज्ञापन दिया गया है। संदीप मिश्रा, उपाध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी। मुद्दों को लेके आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है आज, जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में मिर्जापुर में जो माननीय प्रमोद तिवारी जी और आराधना मिश्रा पर दुर्घटना की गई है प्रोटोकॉल के विपरीत में, प्रदेश सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए माननीय प्रमोद तिवारी जी आराधना मिश्रा का जिस समय प्रोटोकॉल था उस समय वो अपने कार्यक्रम के अनुसार वहां गए थे। जिस स्तर से संग्राम लाल गुप्ता जी ने वहां पर अपने कुछ लोगों को ले जा करके यह कार्रवाई किया है, उसमें सिर्फ हमारे प्रमोद तिवारी जी का भी यही मांग है, हम सब पूरे कांग्रेस कमेटी के लोगों का मांग है कि न्यायिक जांच इसकी की जाए, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और इसमें ये जो FIR किया गया है इसको वापस लिया जाए। इसी के तहत हम लोग धरना प्रदर्शन कांग्रेस कमेटी के लोग यहाँ पर आज जिलाधिकारी के पत्रक देते हुए और यह चेतावनी दिए हैं कि यह न्यायिक जाँच की जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो और न्यायपूर्वक कार्य हो।